जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, आ गई है अष्टमी और नवमी तिथि। इस वीडियो में जो आपको उपाय बताने वाले हैं वो धन संपदा के लिए हैं, लक्ष्मी माता में वृद्धि करने वाले हैं, लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए हैं, साथ ही साथ अष्ट लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले हैं। लक्ष्मी हर रूप में आपके घर रहेंगी, सदा वास करेंगी। तो इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताई हुई कथाओं के अनुसार आपको दो वीडियो बताने का पूरा प्रयास करेंगे, जो आपकी आपके घर में धन संपदा का आगमन करेंगे, धन की कमी नहीं होने देंगे, आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं। आसान से छोटे से उपाय हैं। आते हैं अपने सबसे पहले उपाय पर। ये उपाय है धनिया का, जो खड़ी धनिया आती है, आसानी से हर घर में मिल जाती है, उससे आपको ये उपाय करना है। छोटा सा उपाय है ये, लक्ष्मी वृद्धि के लिए है, लक्ष्मी के आगमन के लिए। आपको धन संबंधी कैसी भी समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी, कर्ज मुक्ति होगी, और आपके घर में अष्ट लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी माता के जो 800 स्वरूप है, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, हर लक्ष्मी का जो है आपके घर में आगमन होगा और नए नए रास्ते भी खुलेंगे। तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप अष्टमी को कर सकते हैं, नवमी को कर सकते हैं, साथ ही साथ शुक्रवार, महीने किसी भी शुक्रवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको चाहिए क्या होगा, एक मुट्ठी भर धनिया, आपको खड़ी धनिया लेना होगा, साफ सुथरा होना चाहिए, ऐसा नहीं जूठा हो, आप उसमें से रोज मसाले डाल रहे हैं और गलती से जूठा हो गया हो, तो साफ सुथरा आपको धनिया लेना है, एक मुट्ठी भर धनिया लगभग। एक लाल कपड़ा छोटा सा ले लेना है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा कपड़ा रुमाल के साइज का। साथ ही साथ चांदी का आपको ये सिक्का हो सके तो लेना है, चाहे उसमें माता लक्ष्मी और गणेश भगवान बने हुए या ऐसे ही चांदी का सिक्का हो, या तो फिर चांदी की अंगूठी हो, कुछ भी, मतलब चांदी का छोटा सा चीज भी हुआ तो, रिंग हुआ छोटा सा, तो कोई भी एक चीज आपको लेनी है। साथ ही साथ एक दीपक आपको बनाना है, जो कि लंबी बाती का होना चाहिए, अंदर मौली हो, लाल धागा जो होता है अगर उससे बनाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होते हैं, ठीक है, पर लंबी बाती का होना चाहिए और अंदर घी होना चाहिए। आटे का चाहे तो आटे का भी बना सकते हैं, माटी का चाहे तो माटी का भी आप दीपक बना सकते हैं। अपने घर में जहाँ पर भी अगर आपने कलश स्थापना की है तो वहाँ पर उपाय करें, नहीं की है कलश स्थापना तो कोई बात नहीं, माता का कोई भी स्वरूप है वहाँ आप पूजा कर सकते हैं अपने घर के मंदिर में। अगर महालक्ष्मी है आपके घर में, फोटो है उनकी, कोई मूर्ति है, तो वहाँ आपको उपाय करना है। जो आपने लाल कपड़ा लिया है उसे बिछाना है, उसके ऊपर आपको जो चांदी का सिक्का आपने लिया है या कोई भी चीज़ ली है चांदी की, उसको रखना है और हल्दी से एक टीका लगाना है, उस पर एक टिक्की बिंदी लगानी है, ठीक है। जब ये सब कर रहे हैं तो मन ही मन आपको ओम महालक्ष्मी नमः या ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इस तरह से जो भी मंत्र आपको आता है उसका उच्चारण करते रहना है। टिक्की लगाने के बाद हल्दी की आपको उस पर जो एक मुट्ठी धनिया ली हुई है वो धनिया भी आपको रख देना है, ठीक है। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना है, पूजा पाठ करना है आपको, और उसके बाद आपको क्या करना है, पहला थोड़ा सा धनिया आप उठाएंगे, तीन जगहों पर इस धनिये को बांटना है। पहले थोड़ा सा एक चुटकी भर धनिया लेना है, दो रोटी ले लीजिएगा, और आपको गाय माता को जो है धनिया, रोटी और थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। तीनों चीज़ें आपको अपनी मनोकामना कहते हुए, गाय माता आती हैं जब, तो उनको खिला देना है। ये उपाय देखिए, आप चाहें तो सुबह में 11 बजे के पहले या तो कर लें, और अगर शाम के समय मतलब सूर्यास्त की बात करते हैं तो बहुत लाभप्रद है, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा का महत्व जो है वो शाम के समय सूर्यास्त के बाद बहुत अधिक होता है सायंकाल में, तो इसलिए सायंकाल में उपाय करें तो बहुत अच्छा है। एक तो आपने ये कर दिया कि गौ माता को आपको रोटी के साथ वो धनिया खिला देना है, एक तो हो गया। दूसरा, थोड़ा सा एक चुटकी भर धनिया लेना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः कहते हुए तुलसी माता जो आपके घर में है, थोड़ा सा दलिया उनके गमले में छिड़क देना है, डाल देना है, जल नहीं चढ़ाना है शाम को अगर कर रहे हैं, आपको केवल वो धनिया छिड़कना है और हाथ जोड़ के 11 बार या 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस तरह का जप करना है। अब क्या करेंगे, जो लाल धागा, लाल कपड़ा लिया है उसमें आपके पास धनिया थोड़ा सा बचा हुआ होगा, उसकी आपको चांदी के सिक्के सहित पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद आपको अपने घर में जहाँ पर भी धन पैसा रुपया रखते हैं वो आपको वहाँ पर ले जाके
अपने धन की पोटली, धन के स्थान पर वो पोटली रख देना है महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए, उनके मंत्रों का जप करते हुए। तीसरा धनिया आपने वहाँ रख दिया। एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि दीपक जो है वो आपको महालक्ष्मी माता का जो फोटो है उसके सामने ही प्रज्वलित करना है। जब आप वहाँ पर लाल धागे पे आपने रखा था लक्ष्मी माता का कपड़ा और उस पर धनिया रखा था, उसी समय दीपक प्रज्वलित करना है और महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करना है, साथ ही साथ माता की आरती उसी दीपक से करनी है। उस जगह पर आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया, बाकी उसके बाद आपको इन तीन चीज़ों को डिवाइड कर देना है, धनिया को तीनों जगह पर। सूर्यास्त के बाद करें तो बहुत अच्छा है, और अगर गाय माता नहीं मिलती है तो परेशान ना हो, अगले दिन सुबह के समय आप उनको रोटी के साथ वो धनिया खिला सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने दूसरे छोटे से उपाय पर आसान से, ये भी माता लक्ष्मी के लिए ही है। अष्टलक्ष्मी का वास होगा, धन संपदा में वृद्धि करेगा, हमेशा माता का स्थायी वास बना रहेगा, उसी के लिए है। माता की कृपा प्राप्त होगी आपको, यानी कि देवियों की कृपा, जो अभी नवरात्रे चल रहे तो महत्व अधिक है। इसको भी आप चाहे अष्टमी, नवमी या फिर शुक्रवार के दिन ज़रूर कर सकते हैं, जब समय मिले आपको। सूर्यास्त के समय उपाय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब सूर्यास्त के बाद, क्योंकि जैसा कि आपको बताया महालक्ष्मी का पूजा का सबसे उचित समय वही होता है। तो अगर ये उपाय सूर्यास्त बात करें तो अच्छा है, नहीं तो सुबह शाम कर सकते हैं, महत्व उसका ज़्यादा रहेगा। इसके लिए लेना क्या है आपको, तीन चीज़ें मुख्य तौर पर। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगी थोड़ी सी हल्दी, ले लेनी है मात्र एक चुटकी हल्दी आपको लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा चावल लेने हैं, अक्षत जिसे कहते हैं, बहुत थोड़ा सा ही चावल चाहिए होगा, एक चुटकी भर चावल लेना है। अगली चीज़ जो होगी वो है कुमकुम। तीन चीज़ें आपने ले ली हैं, हल्दी, चावल और कुमकुम। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक पीला कपड़ा, ठीक है, पीला कपड़ा लेना है, छोटा सा रुमाल के जैसा ही आपको छोटा सा कपड़ा ले लेना है, पीले रंग का। नहीं है तो कोई रुमाल अगर पीली है ऐसा कुछ तो आप वो भी ले सकते हैं। और ये सारी सामान लेकर के आपको, अगर आपने कलश स्थापना किया हुआ है अलग से तो फिर आपको माता रानी के पास चले जाना, नहीं तो आपके मंदिर में जहाँ पर भी माता लक्ष्मी है या देवी दुर्गा है, कोई भी देवी का स्वरूप है, वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, माता की पूजा हल्दी से, कुमकुम से और अक्षत से माता को टीका करना है, तिलक लगाना है, अक्षत भी अंत में उनको लगाना है, ठीक है। ये कर लिया, उसके बाद आपको जो आपने पीला कपड़ा लिया है उसको बिछाना है और उस पर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। तो एक स्वास्तिक आपने वहाँ बना लेना है आपके पीले कपड़े पर माता के सामने ही। अगला जो स्वास्तिक है दूसरा, वो आपको जाकर के बनाना है अपने मुख्य द्वार पर, जो मेन दरवाज़ा होगा आपका वहाँ पर आपको किसी भी तरफ पे बना देना है, मुख्य दरवाजे पर छोटा छोटा सा स्वास्तिक बना दीजिएगा हल्दी से ही। दो स्वास्तिक हो गए। तीसरा स्वास्तिक जहाँ आप अपना धन वगैरह रखते हैं, उस अलमारी में, तिजोरी में, जहाँ भी रखते हैं पैसा रुपया संभाल करके, उस स्थान पर आपको बनाना है तीसरा स्वास्तिक। इस तरह से हल्दी के तीन स्वास्तिक आपने बना दिए हैं। अब आपको एक दिया प्रज्वलित करना है लंबी बाती का। जब आप वो दिया प्रज्वलित कर लेंगे आपको वापस माता की फ़ोटो के पास आना है, मूर्ति के पास। वहाँ पर जो आपने पीले कपड़े पर स्वास्तिक बनाया हुआ था हल्दी से, आपको क्या करना है, उसी के ऊपर थोड़ा सा अक्षत रखना है, बहुत थोड़ा सा चावल रखना है, और जो एक दीपक ले रखा है आपने लंबी बाती का और घी का, कि माता को घी का दीपक जलता है, और लंबी बाती का आटे का हो या माटी का, जैसा भी आपने ले रखा होगा, उसको आपको उसी चावल पर पीले कपड़े के ऊपर जो है उसी पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। उसके बाद महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करना है, ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चैजस, जो भी मंत्र आता है उसका आपको जप करना है। पूजा विधिवत आपको ऐसे ही कर लेनी है, ठीक है। छोटा सा आसान सा उपाय है, इससे क्या होता है आपके घर में स्वास्तिक जो है वो धन को आकर्षित करता है, धन को खींचता है। तो आसान सा उपाय करके ज़रूर देखिएगा, आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव वास होगा और उनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दो उपाय बताए हैं, दोनों ही उपाय धन संपदा के लिए है, मां लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए है, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए है। आपको जो उपाय आसान लगे वो उपाय आप करके सीख सकते हैं, नवरात्रि के त्यौहार चल रहे किसी भी दिन कर सकते हैं, अष्टमी नवमी को तो इसका विशेष महत्व है, साथ ही साथ शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन विष्णु भगवान का होता है, शुक्रवार का दिन तो साक्षात माता लक्ष्मी का दिन होता है, तो उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आप सभी
सभी पर भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की कृपा, नौ देवियों की कृपा सदैव बनी रहे। घर में सुख समृद्धि का वास हो, अष्टलक्ष्मी का वास हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, जय माता दी।